फिर मिशन पर बीजेपी। बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती। कांग्रेस सरकार को चुनौती नहीं मानने वाली छत्तीसगढ़ बीजेपी अब कह रही है कि उसके सामने एक नहीं बल्कि दोहरी चुनौती है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद शायद पहली बार होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस बात को मान रहे हैं कि उनके सामने न सिर्फ 2023 के चुनाव एक चुनौती है बल्कि 2024 के लोकसभा में भी जीत दर्ज करना एक बड़ा चैलेंज होगा। दरअसल रमन सिंह ने ये बात बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं से कही। चुनौती हमेशा राजनीति में सामने रहती है और चुनौती इस बार है कार्यकर्ताओं के लिए कि हम दोहरी चुनौती को लेकर काम कर रहे हैं। एक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 23 में बनाना और 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। अब रमन सिंह के इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस तो रमन सिंह को घेर ही रही है, साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या रमन सिंह को जिम्मेदारी मिल गई है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं। पहली बात यह है कि रमन सिंह जी को क्या जिम्मेदारी मिल गई है? उसकी पार्टी ने उसको जिम्मेदारी दी है कि उसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा नहीं लड़ा जाएगा, ये बताए। देखिए, एक 15 साल सरकार के मुखिया रहे, वो कहें कि इतनी बड़ी दोहरी चुनौतियां हैं, तो उससे साफ जाहिर होता है कि इन्होंने 15 सालों में कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम किया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी को 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलेगी, साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसे कांग्रेस से कड़ा मुकाबला करना होगा। जाहिर है कि छत्तीसगढ़ लोकसभा की 11 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और ऐसा ही प्रदर्शन बीजेपी को 2024 में फिर करना होगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी के सामने 2023 को जीतने की एक बड़ी चुनौती है और रमन सिंह इन्हीं चुनौतियों की तरफ इशारा भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है दोहरी चुनौती, क्या होगी रणनीति। पूर्व सीएम रमन सिंह ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें 2023 के विधानसभा को जीतने की प्लानिंग करनी है, दूसरी तरफ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर फोकस करना है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। अब इस दोहरी चुनौती से बीजेपी कैसे निपटेगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि कांग्रेस तो बीजेपी को इस बहाने टारगेट पर ले रही है, तो चलिए करेंगे चर्चा आज बीजेपी की इस दोहरी चुनौती पर। मिलिए मेहमानों से पैनल में जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता मुकेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी जुड़ रहे हैं। तीनों पैनलिस्ट का, तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुकेश जी, जरा समझाएं हमें और हमारे दर्शकों को, क्योंकि कई दफ़ा छत्तीसगढ़ के अलग अलग मसलों पर जब हम चर्चा करते हैं तो कई दफ़ा मैंने बीजेपी प्रवक्ताओं से, बीजेपी नेताओं से पूछा कि क्या कांग्रेस को मानते हैं आप चुनौती, तो आप कहते हैं कि नहीं साहब, कांग्रेस हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चुनौती नहीं है कांग्रेस, 2023 के विधानसभा चुनाव में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, ऐसे तमाम दावे आपकी पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं से हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि 2023 के परिणाम क्या होंगे, दो राय नहीं है, लेकिन जो बात रमन सिंह कह रहे हैं दोहरी चुनौती की, यानी एक तरह से ये मान रहे हैं कि कांग्रेस चुनौती है आपकी पार्टी के लिए। देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन के हिसाब से 35 जिलों में और 403 शक्ति केंद्र और 23,287 बूथों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता अगले चुनाव को ध्यान में रख के 2023 के विधानसभा और 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेके गंभीर है। और भारतीय जनता पार्टी का ये परंपरा रहा है कि हम कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं, पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं और पूरे तरीके से गंभीर होते हैं चुनाव के लिए। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 2023 को चुनौती के रूप में लेता है और जीत 100% जीत पक्का करना चाहता है। तो ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को गंभीरता से ले रही है तो इसमें प्रश्न कहां बना जी। और इसमें सत्ताधारी दल के लोगों को बहुत विचार करने का, ये अपने बारे में सोचे, जब 2014 में 14 से अधिक प्रदेशों में ये हुआ करते थे,
आज 2-3 प्रदेश में सिमट गए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिनकी आज पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकसभा के सदस्य हैं, सबसे ज्यादा विधायक हैं, तो ऐसे में और 18 करोड़ सदस्य हैं जी। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल है, उसके बावजूद हम गंभीरता से ले रहे हैं इस चुनाव को, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के लोगों को ये कहने की आवश्यकता नहीं कि हम उनको चुनौती के लिए, ये तो अपने आप में स्वयं प्रश्नवाचक चिन्ह बने हुए हैं, लोगों को देने के लिए जवाब नहीं है। ये खाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को लेके, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो कार्यक्रम होते हैं उनको लेके टिकवा टिप्पणी करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि ये जनता को जवाब देने की स्थिति में है नहीं। ठीक, ये दुनिया भर का लोक लुभावन वादा तो कर दिए थे, लेकिन आज लोग देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पिछले 15 सालों में जो विकास की धारा यहाँ बही थी, आज छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, ना यहाँ कोई विकास है जी। आप देखिए पूरी तरीके से अराजकता का माहौल बना हुआ है, ऐसे में इनको जनता को जवाब देना है। ठीक, तो ये जवाब से बचने का प्रयास है कांग्रेस पार्टी का। चलिए, आपके तमाम सवालों का जवाब तो जरूर मैं अभय जी से लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा मुकेश जी ने जिस तरह से आज के इस विषय पर सकारात्मक ढंग से अपनी बात रखी, और वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमने चुनौती के तौर पर लिया है, गंभीरता से हम ले रहे हैं और इस चुनाव को पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, पार्टी मेहनत कर रही है। अभय जी, जो सवाल खड़े करने में चाहूंगा जवाब भी दें, लेकिन इतना तो तय है कि 15 साल की सत्ता जाने के बाद बीजेपी काफ़ी मेहनत कर रही है, आपने पूर्ण बहुमत से 2018 के चुनाव जो जीते, आप उन योजनाओं के भरोसे हैं, भूपेश बघेल और आपकी कांग्रेस सरकार के उस भरोसे हैं, और एक बार फिर आप सरकार बनाएंगे ऐसा आपके नेता कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी दोहरी चुनौती मानते हुए कह रही है कि हम जीतेंगे, मेहनत कर रहे हैं, गंभीरता से चुनाव को ले रहे हैं, चाहे 23 के विधानसभा चुनाव हो या 24 के लोकसभा चुनाव, क्या कहेंगे? दीपक जी, रमन सिंह जी ने आज पहली बार सच्चाई स्वीकार की है कि 2023 में तो वो है नहीं और 2024 में भी 9 सीट वो बचा नहीं पाएंगे। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है जिसको उन्होंने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उनको समझ में आ रहा है कि 23 में तो हम कहीं नहीं है, 23 में तो भूपेश बघेल के सामने कोई चेहरा नहीं है, हमारी योजनाओं के सामने इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और 15 साल का भ्रष्टाचार, 15 साल की कमीशनखोरी और 15 साल में जिस तरह इन्होंने प्रदेश का एकाध योजना जिसको आपने सफलतापूर्वक परिणाम तक पहुंचाया हो, अगर मुकेश शर्मा जी, अगर आप अध्ययन करते हैं, राजनीतिक व्यक्ति है, तो आप जिस योजना की चाहे डिबेट के उसी पॉइंट पे डिबेट कर लीजिए। अभी बात हो रही है रमन सिंह के बयान के डिबेट पे, अभी मैं योजना पे सिर्फ, आपने कहा कि अराजकता का माहौल, अरे अराजकता शब्द जो है बिल्कुल निश्चित रूप से है, रोज समाचार पत्र उठा के देखिए, 15 साल के लिए समाचार पत्र उठा के देखिए, खाली आपराधिक घटनाओं से भरा हुआ है। जो रट के आते हैं वो मत बोलिए ना, जो नागपुर से सिखा दिया जाएगा, जो रायपुर से आपका अध्यक्ष बोलेगा वही बोलना है क्या डिबेट में? डिबेट में आप तर्क दीजिए और अपने समय में अपनी बात रखिए। आपको समय मिला, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आज अभी मैं अपनी बात रख रहा हूं, आप फिर अपनी बात रख लीजिएगा, जनता सुन रही है, परेशान क्यों हो रहे हैं भाई? तो दीपक जी, निश्चित रूप से रमन सिंह जी को ये सच्चाई मालूम है, और भूपेश बघेल जी ने सवाल पूछा है क्या रमन सिंह को जवाबदारी मिल गई। यही रमन सिंह 14 विधायकों को लेकर दिल्ली जा रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने मिलने से इनकार कर दिया, समय नहीं दिया। ये जो बचे हुए लोग हैं ना, 2018 में 15 सीट बच गई, वो भी जहां जहां त्रिकोणीय संघर्ष था, जहां तीसरा दल दिख रहा था वहां सीटें बच गई, नहीं तो 5 होते, 5 गिनती के 5 लोग होते। उसके बाद भी एक राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी अगर मेहनत कर रही है तो करने का हक है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच अपनी बात रख रही है तो विपक्षी पार्टी है, प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसको अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन दीपक जी, हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के पहले अपनी बी टीम को भेज चुकी है, ईडी सीबीआई घूम रही हैं और दुनिया में तरह तरह के चुनाव चिन्ह लेके कई राजनीतिक दल यहाँ आ रहे हैं, सब अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए लोग हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इन 4 सालों में जान गई है कि छत्तीसगढ़ क्यों बना था, छत्तीसगढ़ या मुख्यमंत्री क्या होता है, किसानों का मुख्यमंत्री क्या होता है, मजदूरों का मुख्यमंत्री क्या होता है। आज तो लोग गोधन न्याय योजना से और स्व सहायता समूह की महिलाएं गोठान जाकर जितना कमा रही है उतना एक व्यापारी नहीं कमाता,
ठीक। आज आर्थिक स्थिति छत्तीसगढ़ की, पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में स्थापित है। चलिए, आरोप लगाने का हक मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लौटूंगा आपके पास अभय जी, मैं मौका दूंगा। हमने पहले दोनों हमारे राजनीतिक मेहमानों को सुना, मुकेश जी जहां कुछ सवाल भी खड़े कर रहे हैं लेकिन वो ये सहज मन से स्वीकार भी कर रहे हैं कि गंभीरता से हम चुनाव लड़ेंगे और सत्ता में आएंगे, लेकिन अभय जी भी आश्वस्त हैं अपनी सरकार के किए कामों को लेकर। काफी रोचक मुकाबला होगा। राम अवतार जी, अब आपसे मैं चाहूंगा, आपने हमारे दोनों मेहमानों को भी सुना, रमन सिंह की बाइट भी आपने सुनी जिसमें वो चुनौती की बात कह रहे हैं, कितना असर 2023 के इस विधानसभा चुनाव में और 24 के लोकसभा चुनाव में आप देख रहे हैं? बीजेपी को बेशक काफी मेहनत करना है, मुद्दों को भी उठा रही है, एकाएक काफी सक्रिय हुई है पार्टी, लेकिन इस मसले को, दोहरी चुनौती को रमन सिंह के इस बयान पर क्या कहेंगे? तिवारी जी, भाजपा के सामने चुनौती तो है, चुनौती इसलिए है कि भाजपा यहां पर जिस तरह से खड़ा होना चाहिए था वो नहीं खड़ा हो पाई। चार साल में भूपेश के नेतृत्व में बनाई गई योजनाओं के कारण, पिछड़ा वर्ग का चेहरा होने के कारण और अन्य कई कई कारणों से, और जिस तरह से भाजपा ने यहाँ पर चेहरा, नेतृत्व और विपक्ष की भूमिका सशक्त तरीके से निभाए, उसमें कहीं न कहीं कमजोर है। ये कमजोरी शायद स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए चुनौती मान रहे हैं, ये अच्छी चीज है। ये अकेले भाजपा नहीं, कांग्रेस को भी चुनौती मानना चाहिए भाजपा की। वो ऐसे मानना चाहिए कि भाजपा आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास समर्पित लोगों की टीम है और एक विचारधारा है, 15 साल यहाँ राज की है, तो ऐसे हल्के में भाजपा को भी नहीं लेना चाहिए कांग्रेसियों को, और कांग्रेसियों को भी अति उत्साह में ये नहीं रहना चाहिए कि हम ही हैं, भाजपा कहीं नहीं है। तो राजनीति में गंभीरता से चुनौतियों को लेते हुए जो भी पार्टियां काम करती हैं, वो पार्टियां जनता से निरंतर संपर्क, संवाद, उनके हितों में फैसले लेने, उनके हितों के लिए संघर्ष करने वाला, वही पार्टी जमीनी स्तर पर रहेगा और वही सत्ता में रहेगा। अब आज के समय में जब सोशल मीडिया का युग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, तो आदमी का व्यक्तित्व क्या है, सरकार क्या कर रही है, ये सबको मालूम होता है। जो ये समझता है कि किसी को मालूम नहीं है कौन क्या कर रहा है, पर्दे के पीछे की कहानियां क्या है, अब पर्दे के बाहर जो चल रहा है उसका क्या खेल है, तो इसको अतिशयोक्ति तरीके से ना ले, एक राजनीतिज्ञ की तरह, एक घुटे पीटे राजनीतिज्ञ की तरह रमन सिंह ने जो बयान दिया है वो सही बयान है, और उन्होंने एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं को जोश खरोश के साथ खड़ा होने की अपील की है स्थापना दिवस के दिन, ताकि कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं कि उनके सामने चुनौतियां हैं, उस चुनौती से निपटने के लिए। दूसरी तरफ केंद्र में मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं, परंतु विविधता से भरा हुआ भारत है, भारत के कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, मगर विपक्ष यहां पर बड़ी भूमिका में है। ठीक, विपक्ष की भूमिका किस तरह होती है आगामी चुनाव में, महंगाई, बेरोजगारी सहित कई ऐसे चीजें हैं, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को लेकर एक चुनाव के समीकरण तैयार होने लगे हैं जी। ऐसे में मोदी जी भी कड़ी मेहनत के बाद ये मान के चल रहे हैं कि विपक्ष एक बिखरा हुआ विपक्ष था, एक चीज आपसे तिवारी जी हो रहा है जी, तिवारी जी एक चीज ये भी समझना चाहूंगा, हमने देखा है अक्सर चुनावों का असर तो पड़ता है अगले चुनाव पर। विधानसभा चुनाव जब 18 में हुए तो कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, एक तरफा बहुमत का आंकड़ा हासिल करते हुए प्रचंड जीत हासिल की, दूसरी तरफ जब अगले साल लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस वो कमाल नहीं कर पाई जो शायद वो पार्टी उम्मीद कर रही थी। लोकसभा में 9 सीटें बीजेपी के खाते में चली जाती, बीजेपी काफी अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन इस बार ये भी एक बड़ी चुनौती होगी विधानसभा चुनाव के परिणाम जो भी होंगे, लेकिन एक तरफ प्रदेश का विधानसभा चुनाव, दूसरी तरफ केंद्र का लोकसभा चुनाव, ये जो उलट परिणाम हमने बिल्कुल उलट परिणाम देखे, विधानसभा पूरा कांग्रेस के पक्ष में और लोकसभा लगभग लगभग बीजेपी के पक्ष में, तो ऐसी ही कोई तस्वीर आप देख रहे हैं एक बार फिर इस चुनाव में? पिछला विधानसभा चुनाव वो रमन सरकार के 15 साल के कामकाज, भाजपा के प्रति नाराजगी का वोट का समीकरण था, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस अपने बदौलत पूरा चुनाव जीती है ऐसा नहीं कह सकते, वो भाजपा के कार्यकर्ताओं की नाराजगी, स्थानीय छत्तीसगढ़ियों की उपेक्षा, भ्रष्टाचार, नौकरशाही,
कई ऐसे बड़े कारण थे 15 साल में रमन सिंह के, जिसके कारण कांग्रेस को फायदा हुआ और बड़े बड़े वादे किए थे, इसलिए वो जीते। अब जो है भूपेश सरकार के कामकाज का जनमत संग्रह है, तो भूपेश सरकार ने किस तरह काम किया है, किस तरह फैसला लिया है, उनके कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एटीट्यूड कैसा था, ये सबका जनमत संग्रह होगा। तो इसलिए कांग्रेस यहाँ पर क्या स्थिति में है जी, कितना काम कर रही, जनता ने कितना पसंद किया है, ये आगामी विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। भाजपा जो है, देखो जो भी पार्टी सत्ता में रहती है जी, उसको ये लगता है कि फील गुड कि हमारे पक्ष में माहौल है, हम जनता के लिए योजनाएं बना रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता सक्रिय है, संगठन सक्रिय है, तो अच्छा अच्छा सरकार में जो भी रहता है उसको दिखता है। परंतु जनता क्या सोच रही है, जनता का मूड क्या है, ये तो चुनाव परिणाम ही बताते हैं। बिल्कुल वही हालात जो केंद्र सरकार में, केंद्र में लंबे समय से मोदी जी हैं, मोदी जी की नीतियां हैं, उसके बाद मोदी जी के पहले चुनाव तीसरी बार के चुनाव होगा, पहला चुनाव में देखेंगे तो मोदी जी कांग्रेस के खिलाफ, मनमोहन सिंह के खिलाफ एक वातावरण था, उसके कारण वो प्रधानमंत्री बन पाए, उसके कारण जनमत संग्रह पाए। दूसरा जो चुनाव हुआ लोकसभा का, पुलवामा वाला घटना हो गया, जिससे राष्ट्रवाद, हिंदुत्व जैसा मुद्दा आया और मोदी जी को बड़ी सफलता मिल गई। अब अगला चुनाव है जी, इस चुनाव में भाजपा के सामने चुनौतियां बड़ी बड़ी है, उन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे ये देखने लायक मुद्दा रहेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने तिवारी जी, और इसी चर्चा के सिरे को आगे बढ़ाते हुए मुकेश जी आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी मानते हैं 2018 के विधानसभा चुनाव परिणाम बेशक आपके पक्ष में ना आए हों, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत आपकी पार्टी ने इसलिए हासिल की क्योंकि मोदी जी का चेहरा था, ना सिर्फ छत्तीसगढ़, मुझे याद आता है चाहे प्रदेश की हम मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान या देश के अनेकों राज्यों में जब 2019 के परिणाम आए थे, कई वोटर्स ने सिर्फ मोदी जी का चेहरा, केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, मोदी जी का काम, शायद ये एक बड़ा फैक्टर आया था जिससे जीत हासिल हुई। छत्तीसगढ़ बीजेपी में वो कौन से चेहरे होंगे या संगठन की अभी ऐसी कौन सी तैयारी होगी जो 2019 के उस लोकसभा में भी एक प्रचंड जीत पार्टी को दिला पाए, विधानसभा में भी उसका फैक्टर दिखे और 2019 के लोकसभा में भी दिखे? देखें दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन लगातार सतत इनके कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से जुड़ी रहती है। पिछले चुनाव की बात करें तो इसी प्रदेश की जनता ने 3 बार हमको आशीर्वाद दिया था, 3 बार, और 15 साल यहाँ पे जनता का सेवा करने का मौका मिला और काम करते रहे। एंटी इनकम्बेंसी, जैसे कि तिवारी जी बता रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है राजनीति के अंदर में, तो वो कुछ कारण थे जिसके कारण हमको सफलता नहीं मिली, लेकिन अब कांग्रेस के पास में बताने के लिए कुछ नहीं है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बता रहे थे कि गोधन न्याय योजना, अरे गोधन न्याय योजना को तो किसानों ने ही नकार दिया, कैसे, इनके वर्मी कंपोस्ट को कितने किसानों ने एक्सेप्ट किया, वर्मी कंपोस्ट को लेके किसानों में जबरदस्त नाराजगी रही, तो फिर गोधन न्याय योजना सफल कैसे हुआ, कैसे हुआ जी? इसी प्रकार का कोई भी योजना, मैं फिर कह रहा हूं, एक भी योजना जिसका क्रियान्वयन इन्होंने किया हो, जिसका परिणाम दिखा हो, ऐसी कोई योजना नहीं है। सिर्फ कागज के अंदर में योजना ये बनाते हैं, और इतना अहंकार करने की जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी के लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको चुनौती, बिल्कुल चुनौती स्वीकार करते हैं और आने वाले टाइम में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश में बनेगी। उसका कारण है जो वादे आपने किए थे, जो सपने आपने दिखाए थे, जनता का मोह भंग हो चुका है इस सरकार से, इस सरकार के पास में बताने के लिए कुछ है नहीं। अभय जी जरा गिनाइए ना कुछ योजनाएं, कुछ काम बताइए, जरा 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड तो पेश करिए, क्योंकि मुकेश जी जो तथ्यों से बात कह रहे हैं, जो बात वो रख रहे हैं तार्किक, वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी काम आपकी सरकार ने, कोई ऐसी योजना नहीं लाई जिससे सरकार ये सिद्ध कर सके या प्रदेश की जनता को जिससे फायदा मिला हो, क्या लेकर जाएंगे आप, रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है आपका? दीपक जी, कहावत है कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। ये 15 साल सत्ता में रहे हैं, ये आज भी अपने आप को सत्तासीन मान के बात करते हैं। जिस गोधन न्याय योजना की आलोचना कर रहे हैं कि किसानों ने नकार दिया, 50% गोठान 9000 में से 5000 से ऊपर गोठान आत्मनिर्भर हो गए। अब वो अपने पैसे से गोबर खरीद रहे हैं और वो खाद बेच रहे हैं,
और किसान खरीद रहे हैं। दीपक जी, मेरा दावा है गोठान के अंदर में आपको आपको गाय और मवेशी गोठान को छोड़कर सब जगह मिलेंगे। आप चलिए मेरे साथ, सब जगह मिलेंगे। ये योजना जो बता रहे हैं मुकेश शर्मा जी, मैंने पहले भी निवेदन किया दीपक जी, कागज में निकाल लेते हैं। दीपक जी अगर बहस करनी है एक-एक करके, चलिए मैंने जवाब ले रहा हूँ ऐसी मिलेगा। मुकेश जी मैं जवाब ले रहा हूँ, अभय जी से जवाब ले रहा हूँ, एक एक करके आप अपनी बात रखें तो दर्शक बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जी अभय जी, शर्मा जी किस गोठान में चलेंगे? रमन सिंह के क्षेत्र के गोठान में चले, धरमलाल कौशिक के गोठान में चले जाइए आप किसी भी गोठान में। यदि गोठान सक्रियता से चल रहे तो मवेशी सड़क में कहां से आ गए? मवेशी सड़क में दिखते हैं, ये मुझे भी दिखते हैं, आपको भी दिखते हैं, सबको दिखते हैं। मवेशी सड़क में है, इसका मतलब आपका ये गोठान योजना भी फेल है। शर्मा जी पहले सुनना दीजिए, पहले उसको याद करिए जो बेमेतरा में आपके पदाधिकारी ने गौ सेवा के नाम पे कितने गौ माता को मार के चमड़े बेचने का काम किया था, हड्डी बेचने का काम किया था। शर्म आना चाहिए आप लोग को, तो आप लोग तो डिबेट में नहीं दिखता। अरे शर्म आप लोगों को आना चाहिए भाई, ये बोलते कुछ है करते कुछ है, कोई परिणाम दिखता है नहीं। और फिर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आरोप लगा के बचने का रास्ता देखते हैं। किसान दुख है, आपको बेमिसरा का नाम बताओ कि वहां लेकर चलूं? आप बताइए किसानों को, जब आपने वादा किया था 2018 में तो 2500 रुपए देके 800 रुपए का फर्क था, अब कितने फर्क दे रहे हो आप? पहले 2040 रुपए केंद्र सरकार देती, आप 2600 रुपए दे रहे हैं, 200 रुपए। एक एक मुकेश जी जरा शांत हो जाए, अभय जी को जरा सुन लेते हैं। जी पहले ट्रेनिंग लेके आइए, सच बोलना सीखिए। आपको पता नहीं है किसान ट्रेनिंग पूरा है? अभय जी आपको पता नहीं है, पूरा है झूठ के माध्यम से अपने बातों को, अपने तथ्य को सत्य नहीं कर किया जा सकता। ये दीपक जी किसान का प्रदेश है, छत्तीसगढ़िया प्रदेश बना है, और आज छत्तीसगढ़िया किसान, छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आज छत्तीसगढ़ को राजगीत मिला। हम क्या रमन गीत गाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बनाए थे? छत्तीसगढ़ का राज छत्तीसगढ़ भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अरे छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनाया है। मोदी को तो, मोदी और अमित शाह को बोलिए कि निश्चित रूप से अंत्योदय की योजना को लेके भारतीय जनता पार्टी चलती है, और 50 करोड़ से अधिक लोगों को सीधा लाभ यदि मिला है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। और 24 के लोकसभा में छत्तीसगढ़ में खाता नहीं खुलेगा, और 23 में तो आप भाई नहीं है, 23 की तो चिंता छोड़ दीजिए, 24 में मोदी को भी एक सीट मिलने वाली नहीं है। बेरोजगार तैयार बैठा है, महंगाई की तरफ जनता तैयार बैठी है, आपने ट्रेनें बंद कर दी, आप वंदे भारत जैसी महंगी ट्रेन चलाते हैं जो आधी भी फुल नहीं होती, आधी खाली चलती है। बिलासपुर रेलवे जोन की ट्रेन गायब, कल बिलासपुर बंद हो रहा है, आपने बिलासपुर को हवाई सेवा से वंचित किया। एक एक चीज का हिसाब 24 में भी जनता लेगी। और अटल बिहारी का अगर नाम ले रहे हैं तो मोदी अमित शाह को बोलिए कि उनका फोटो रख के कसम खाए कि अटल बिहारी है क्या? भारतीय जनता पार्टी को मालूम है क्या करना है? चलिए भारतीय जनता पार्टी चलिए, अभय जी मुकेश जी का सेवा कर आप दोनों मेहमानों की बातचीत सुनकर इतना तो जरूर जनता समझेगी, जिस तरह से मुकेश जी तमाम योजनाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अभय जी भी अपना पक्ष रख रहे हैं, योजनाओं का गिना रहे हैं, सच स्वीकार करने की बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए जिस दिन भाजपा का कोई नेता चाहे ठीक है मुद्दे पे डिबेट कर ले, चलिए अनेकों ऐसे विषय जिस पर लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन फिलहाल समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा आगे चर्चा बढ़ाने के लिए, इसलिए मैं अभी फिलहाल आप तीनों पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगा, अभय जी, मुकेश जी, राम अवतार जी। देखिए बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी अब राजनीतिक तैयारियों के साथ साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा 2023 के विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव बीजेपी कितने चुनौती के साथ दमदारी से गंभीरता से लड़ती है और परिणाम क्या होंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए, नमस्कार।